ये लेकर आए काली मसूर की दाल, ये मैंने मंगवाई थी मलका मसूर, ठीक है। ये है इसका जो है MRP है 150 रुपीज़ और ये मिली है 120। बीबी प्राइस है, बीबी मतलब बचत बाज़ार, ठीक है। वो बचत बाज़ार जो है वहाँ से लेकर आए, काफ़ी दूर से लिखा हुआ है, इस पर इन्होंने स्टैंप भी लगा रखी है, बचत हर बार बजट बाज़ार, ये देखिए, ठीक है। तो ये वहीं से लेकर आए। काली दाल मैंने क्यों मंगाई है, क्योंकि पापा के लिए अच्छी है इसलिए मंगाई है। वैसे मेरी ख़त्म हो रही थी, घर में भी तो काम आती है ना। और क्या लेकर आए, ये मैंने मंगाया था लाल मसूर की दाल, ये भी मेरी घर में ख़त्म हो रखी थी तो ये भी मंगाई है। इसके ऊपर तो स्टैंप कुछ नहीं लगा हुआ, इसको साइड में रख देते हैं, ठीक है। और क्या लाए, ये क्या है, अजवाइन लेकर आए हैं, मैंने बोला था इनको अजवाइन, तो ये देखिए अजवाइन लेकर आए हैं। अजवाइन की ज़रूरत होती है, इनका पेट कुछ ख़राब होता है, ये थोड़ी बहुत खाते रहते हैं, वैसे भी काम आ जाती है। ये MRP है इसकी 155, 250 ग्राम है, और इनको कितने की मिली मुझे नहीं पता, अभी देखना पड़ेगा बिल में, ठीक है। तो ये की अजवाइन ले आए हैं, चलो ये तो मैंने बोला था इनको। ये बड़ा मैं क्या लेकर आए हैं, ये बड़ा प्लास्टिक की बोतल है, एक चीज और है इसमें सुंदर पड़ी, ये भी अभी आपको दिखाती हूँ एक मिनट क्या है, अभी देखती हूँ मैं। और ये क्या है, अरे ये रहा वो हनी, छोटा सा हनी जो लिखा था ना, वो बताया था उन्होंने, क्या फ्री है ना, ये रहा सुपर सेवर पैक, ये देखिए ये उसके साथ है नारियल के साथ, छोटा सा हनी, ठीक है, ये फ्री है। और मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या है, शरबत लेकर आए हैं, शरबत ख़ास जैम एंड शिरीन कंपनी होगी ये, हमदर्द कंपनी है, और इसका शरबत ख़ास लेकर आए हैं, ख़ास शरबत है। और कितने का है मैं बताती हूँ आपको, 60 रुपये लिखा हुआ है इसके ऊपर, 60 रुपीज़ का, 225 ml, ठीक है। एक तो ये है, और एक ये क्या लेकर आए, ये भी हमदर्द का है, जैम एंड शिरीन कौन सी क्या चीज़ है, ये है हमदर्द का दवा, हमदर्द दवा खाना मशहूर है ना, ये देखिए। अरे क्या चीज़ है ये, शरबत गुलाब, गुलाब का शरबत, अच्छा गुलाब का शरबत है, शरबत है ये, इसकी भी MRP 60 रुपये लिखी है, पता नहीं को कितने का पड़ा है। तो ये देखो दो शरबत ले आए हैं, ठीक है, ये वाले, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो लेकर आए, बस इतना ही सामान लेकर आए हैं, ज़्यादा नहीं लेकर आए। हेलो व्यूअर्स, आज है 18 तारीख, कल मुझे कंफ्यूजन हो गई थी, मैंने कल ही 18 समझ ली थी, बाद में चेक किया तो 17 थी, तो आज है 18 डेट। और देखो ये मैंने नई वाली टी शर्ट पहनी हुई है जो मेरे को स्वार्थ में लेके दी थी वाली, ये देखो, मैं ना ज़्यादातर सलवारों के साथ पहनती हूँ टी शर्ट, पर घर में ही पहनती हूँ, बाहर नहीं पहन के जाती, ठीक है। ये टी शर्ट खुली खुली होना तो कम्फर्टेबल रहता बंदा, ये देखो मैंने, अच्छा मैं क्या कर रही थी मैं बता रही हूँ आपको, भी बताती हूँ, ये देखो, ये तवे पे जब सैंडविच कर बनाए ना मैंने, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि आज मुझे ना पीसने वाले बहुत सारे काम करने हैं। ये है हमारी रोस्टेड, ये पहले से ही, ये जो है ना फ्लैक्सीड है, ये दो तरह से आते हैं, एक रोस्टेड आते हैं एक बिना रोस्टेड, रोस्टेड ही ले लो तो ज़्यादा अच्छा, वो थोड़े से महंगे होते हैं, ठीक है। और मैंने क्या करा, रोस्टेड तो थे पर फिर भी तवा गर्म था, तो मैंने इस पर ही रख दिया, मैंने कहा अगर थोड़ा बहुत इसमें मॉइस्चर चला भी गया होगा ना तवे की गर्मी से, रोस्ट और बढ़िया हो जाएंगे। तो अब मैंने इसको मिक्सी में डाल के पीस रही हूँ, क्योंकि मेरी शीशी खाली हो गई है। और उसके अलावा मुझे आज इसमें काली मिर्च पड़ी है, देखो ये काली मिर्च, काली मिर्च भी डिब्बे में ख़त्म हो गई, वो भी पीसनी है। तीसरा मुझे एक और काम करना है, धनिया इतना सा रह गया, धनिया भी मेरे पास साबुत है तो वो भी पीसना है, आज पीसने वाले 3-4 काम करने हैं मुझे। तो चलो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम इसको पीसते हैं, देखें इसी में पीस रहे थे बड़े वाले में, वैसे इसका मसाले वाला अलग है पर इसमें भी अच्छा पीस जाता है इसमें, पर ये गीला नहीं होना चाहिए अंदर से, क्योंकि गीला हुआ तो काम ख़राब हो जाएगा, मैं बस इसमें डाल के पीस के लाती हूँ। बस हो गया काम, ये मैंने बना लिया धनिया, साबुत धनिया था पीस के रख लिया है, ये हो गए हमारे फ्लैक्सीड, पूरी शीशी भर गई। और ये दो है काली मिर्च, ये काली मिर्च है, ज़्यादा थी तो मैंने दूसरी छोटी वाली में भी डाल दी, इसमें भी काली मिर्च है, इसको यूज़ कर लेंगे, इसको भी संभाल के रख देते हैं। तो ये तीनों चीज़ें ना कई दिन से पेंडिंग थी, और हस्बैंड क्या कर रहे थे रोज़ काली मिर्च करते रहते थे, ठीक है। तो वो कहाँ है काली मिर्च, तो मैंने पीस के रख दिए, पीसने का काम तो हो गया ख़त्म, तो चलो अब कुछ और काम करते हैं। हेलो व्यूअर्स, सिस्टम में बज रहे हैं 8:20 हो रहे हैं, टाइम भाग ही जाता है पता नहीं लगता। अभी थोड़ी देर पहले चाय भी कहती हूँ, बिस्किट वगैरह खा के, अब मैं पता क्या फल काट रही हूँ, ये एक लास्ट एप्पल रह गया और लास्ट बबूगोशा रह गया, तो हस्बैंड के आधा आधा कर लेते हैं, हस्बैंड कहते मैं भी खाऊँगा, मैं कहा चल ठीक है आधा तुम्हें दे देंगे, और आज वीरवार है, मैंने उनको सामान लिख के दे दिया है, लेने गए हुए हैं, एक दो चीज़ें कुछ अलग बोली हैं, वो कह रहे खुद जा के ले के आ, अब
मैं तो मेरा मन तो कर लूँगा जाने का। तो हुआ क्या कि कल ना मैं रात को एक मूवी देख रही थी, पिक्चर का नाम था अधिकार, राजेश खन्ना, बीना मुनीम, जरीना बाग। तो वो मूवी मैंने ना आधी देखी, पूरी नहीं देखी, मतलब आधे घंटे की देखी सारी, ठीक है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले उस मूवी को कंप्लीट करके आ रही हूँ। हुआ क्या था, आज मेरे को काम करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं कहा मैं क्या करूँ, मतलब ऐसा कुछ करूँ जिससे मेरा काम करने का मन कराए, ठीक है। तो बस इसीलिए मैं मूवी मैंने कंप्लीट कर ली है और अब आ गई हूँ किचन में काम करने के लिए। दही थोड़ा सा खट्टा, मतलब हल्का खट्टा था तो मैंने बाहर रख दिया था दोपहर को, वो थोड़ा खट्टा हो गया, मैं सोची कढ़ी बना लेती हूँ और क्या करना है, ठीक है। ये मैं अपने लिए भी फल काट रही हूँ, उनके लिए भी काट रही हूँ रात के लिए। ये एप्पल तो सारे ही ख़राब निकल रहा है, क्या चक्कर इसका, अंदर से सारे ही ख़राब है, ये तो बेचारे खाएंगे क्या, देखो कितना ख़राब निकला है, सारा काट के फेंकना पड़ेगा, ठीक है, मिलेगा क्या खाने का। हाँ तो वही है, तो मैं बस वही है ना, कभी काम करने का मन नहीं होता तो बंदा कुछ ना कुछ अलग देख लेता है, तो बस वही मैं देख रही थी मूवी, अभी ख़त्म हुई है। पर अब मेरे को देखो कई बार होता है ना, काम करने का मन नहीं होता पर मन बनाना पड़ता है काम करने, क्योंकि काम तो करना ही है ना, तो इसलिए अब रात का खाना भी मुझे बनाना ही है ना। उसके अलावा और भी कई काम है करने, तो बहुत सारे काम होते हैं करने वाले, अगर करने का मन ही ना कर रहा हो तो बात अलग है, पर ये कि करना चाहिए। बस अब ज़रा मूवी देखी, मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसकी स्टोरी नहीं मुझे अच्छी लगी ज़्यादा, मतलब मैंने देख ली चलो टाइम पास, वो पता क्या स्टोरी ये दिखाते हैं कि औरत हस्बैंड वाइफ होते हैं, मतलब उनकी नई नई शादी होती है, वो लड़की सिंगर बनना चाहती थी, उसका हस्बैंड जब उनका बेबी हो जाता है तो हस्बैंड जो है वो कहता है कोई काम नहीं करना तुझे, घर बैठ बस अपना बच्चों को संभाल, पर वो ना उनकी सुनती नहीं है। और वो फिर क्या होता है कि उसकी लड़की की माँ सिखाती है उसको, तो वो अपना घर छोड़ देती है। वो बच्चा जो होता है उसको एक बार 104 डिग्री बुखार होता है, और वो अपना गाने के लिए सुबह से गई होती है, और जब वो उसका हस्बैंड लेने जाता है तो कहती है सुबह तो बच्चा ठीक था, मेरे के सारे रखा होता है उसको, तो फिर उसके हस्बैंड को बड़ा गुस्सा आता है, वो कहता है तुम काम नहीं करोगे, वो कह रही मैं करूँगी, दोनों में क्लैश हो जाता है, दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं। लड़की की माई उसे सिखा रही होती है कि भाई तेरा इतना अच्छा कैरियर है तू छोड़ रही है घर गृहस्थी के चक्कर में, और मुझे इसलिए अच्छी नहीं लगी कि उसका हस्बैंड जाता था बस वो हाउस वाइफ ही रहे, ये गलत बात थी, मेरे को तो नहीं अच्छी लगी। क्योंकि पता है कि अगर किसी में टैलेंट हो तो उसको अपना टैलेंट दिखाना चाहिए ना, चाहे वो डांस हो, चाहे वो मतलब वो सिंगिंग हो, कुछ भी हो। अब ये थोड़ी है औरतों में अगर टैलेंट है तो उसको बस घर गृहस्थी में झोंक दो, तुम बच्चे पालो और बस घर गृहस्थी करो, अगर उसमें टैलेंट है वो अपना नाम शोहरत पैसा कमा सकती है तो उसे कमाना चाहिए अच्छे ढंग से, मतलब अच्छे तरीके से। यही फिल्म थी बस, मुझे इसलिए अच्छी नहीं लगी। एंड में फिर क्या होता है, एंड में परिवार एक हो जाता है, एंड तो ये होता है बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो जो उसका पापा होता है छोटे से बच्चे को लेके भाग जाता है, वो खुद इसको पालता पोसता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर ये दोनों मिल जाते हैं, बस यही स्टोरी थी। पर आजकल लोगों की थिंकिंग हो गई है चेंज, ऐसी नहीं है, अगर किसी में टैलेंट हो लेडीज़ में तो वो दिखा सकती है, ऐसी कोई बात थोड़ी है कि बस शादी कर ली तो तुम नौकर बन के बैठ गए, ये गलत बात होती है। चाहे आदमी में टैलेंट हो चाहे औरत में, जिसमें भी हेलो, मैंने आधा पपीता यही पपीता कह रही आधा ये काट दिया हस्बैंड के लिए, अब मैं अपना काट लेती हूँ, मेरा भी देखो आधा कितना ख़राब निकल रहा है, तो आज मैं मंगाऊँगी इनसे शायद एप्पल लेके आए थे, एप्पल बब्बू को शायद मैं खा सकती हूँ ना, इसलिए वो फिर मेरे को सूट करता है। भी अंगूर पड़े फ्रिज में, आम भी बहुत सारे पड़े, रोज़ इनको कहती हूँ आम खा लो अंगूर खा लो, नहीं खाते, आखिर एक दिन क्या करेंगे सारे फैलते हैं उठाते, यही इनकी प्रॉब्लम है। चलो मैं पहले काट लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। लीजिए व्यूअर्स, सलाद भी कट गया मेरा रात के लिए, रुक जाओ, सलाद भी कट गया है मेरे को, ठीक है। और इसके अलावा मैंने ये फल काट दिए, मैंने तो खा लिए फल अपने, ये खा लो खाने हैं तो, ठीक है। तो ये फल जो है ना मैंने इनके लिए काट दिए, मैंने तो खा लिए अपने। और वीर बाजार का सामान आ गया है, क्या क्या लाए मैं दिखा देती हूँ। एप्पल लेकर आए, एप्पल तो ख़त्म ही हो रहे थे, एप्पल कितने के आए तुम्हारे, 100 रुपये के, 100 रुपये के एप्पल आ गए। दो घिया मंगाए थे, घिया काम आएगा, काली तोरी है ये वाली, ये है भिंडी, ठीक है। और ये भिंडी कैसे क्या भाव है, भिंडी कैसे कितने, आधा किलो 20 रुपये की। और ये घिया कैसे है, घिया 1 किलो 40 रुपये का घिया। काली तोरी कैसी है, काली 700 ग्राम काली तोरी 20 रुपये की। बाकी तो ये धनिया पुदीना और ये हरी मिर्च बड़ी वाली मंगाई है मैंने। और ये चुकंदर, चुकंदर कैसे लाए, चुकंदर बड़े चांदा आए हैं मेरे घर, क्या भाव है, 1 किलो है ये, 1 किलो ले आए चुकंदर, सलाद में कट जाएंगे ना तो अच्छे लगेंगे।
चलो मैं सलाद तो काट ही लिया रात के लिए, अब मैं कढ़ी चावल बनाने पहले एक सामान सांभ लूँ, उसके बाद ही फिर मैं करती हूँ। लीजिए व्यूअर्स, पालक भी आ गई मेरी, मैंने निकाल के रख दिया, कल सुबह ही बनाऊंगी पालक, तो अभी तो नहीं बना रही मैं। और ये देखिए कढ़ी तैयार है मेरी, ये देखिए काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी बन गई है कढ़ी, रेडी है। गैस बंद कर देते हैं, कड़कड़ के ये जो है ना, कड़कड़ के कढ़ी बन गई। कढ़ी का मतलब कड़ो, कटते रहो, गाढ़े होते रहो। चावल भी बन चुके हैं इधर, ठीक है, खूब सारा सलाद भी कटा हुआ है, बस गैस बंद कर दी, मेरा खाना तो बन गया, अब देखते हैं क्या करना और कोई काम होता है। चलो खाना रेडी, चावल तैयार, बस अब हम लोग एक काम और करेंगे, सलाद भी कटा हुआ है, एक काम और करती हूँ मैं। चलो मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए करो टाटा बाय बाय, कल एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बटन को दबाएंगे तो बेल आएगी, ब्लैक बेल को दबाएंगे तो ब्लैक बेल आएगी, उसको दबा दीजिए, फिर काम करता हूँ, फिर आने वाली हर वीडियो का आपको लिंक मिल जाया करेगा, तो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। Oh, 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 oh